राधा रानी मामले में बुरे फंसे प्रदीप मिश्रा, संतों ने दिया ऐसा अल्टीमेटम, मुसीबत में फंस चुके हैं कथावाचक प्रदीप मिश्रा। एक तरफ जहां पंडित प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो दूसरी ओर मथुरा के संतों का गुस्सा भी शांत नहीं हो रहा है। उज्जैन से लेकर मथुरा तक में पंडित प्रदीप मिश्रा का विरोध जारी है। विवादित बयान को लेकर मथुरा के संतों में महापंचायत बुलाई थी, वहीं अब महापंचायत में प्रदीप मिश्रा को अल्टीमेटम दे दिया गया है। राधा रानी पर टिप्पणी को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा का हर जगह विरोध हो रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा का अभी तक यूपी में ही विरोध हो रहा था, लेकिन उज्जैन में भी यह विरोध जोर पकड़ रहा है। उज्जैन में उन्हें लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। उज्जैन के महर्षि सादीपनी के वंशज पंडित रूपम व्यास ने तो प्रदीप मिश्रा से ये तक कह दिया कि वो नाक रगड़कर माफी मांगे, उन्हें तो उनके आश्रम और उज्जैन आने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सादीपनी आश्रम की तरफ से ये भी कहा गया कि प्रदीप मिश्रा लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और ना ही वो कुछ जानते हैं। इसके अलावा मथुरा महापंचायत के संतों ने पंडित प्रदीप मिश्रा से माफी मांगने की मांग और कहा कि वो 4 दिन में बरसाना आकर माफी मांगे। साथ ही वहां के संतों ने पुलिस में शिकायत भी कर दी, जिसकी पुष्टि मथुरा SP ने की है। संतों ने कहा है कि पुलिस अगर पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करती है तो 7 दिन बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे। इससे साफ है कि पंडित प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें बढ़ेंगी। इससे पहले ब्रज के संतों ने कथावाचक प्रदीप मिश्रा को दंडित करने का फैसला लिया और उनके खिलाफ महापंचायत बैठाई थी। इस महापंचायत में पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ फैसला लेते हुए ये तय किया गया कि ब्रज भूमि के किसी भी मंदिर में प्रदीप मिश्रा को अब प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि प्रदीप मिश्रा ने अपने प्रवचन में कहा था कि राधा के पति का नाम अन्य घोष, उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। राधा जी का विवाह छाता में हुआ था। राधा जी बरसाना की नहीं रावल की रहने वाली है। तो इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और डेली न्यूज यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।